हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमा स्पेशल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पोहा रेसिपी। जो मैं पोहा बनाती हूँ एक टाइप से कंप्लीट मील है। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो या एज ए मील भी आप इसको ले सकते हो। अच्छा, इसमें जितने भी मैंने चॉइसेस वेजिटेबल्स के रखे हैं वो आपके ऊपर है, आपके पास जो जो अवेलेबल है आप वो सब ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने वेजिटेबल सबसे पहले लिया है पोहा, तकरीबन 200 ग्राम पोहा, 2 कप्स आप मान के चलिए। उसको मैंने 5 मिनट सोक करके और फिर 15 मिनट के लिए स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि वो सारा पानी निकल जाए। अनियन है, कैप्सिकम है, ग्रीन चिली है, बीन्स है, कैरेट्स, कॉर्न है, फ्रोजन कॉर्न, पोटैटो हैं, फ्राइड पीनट्स हैं, एक लेमन लिया है, करी लीव्स लिया है और ग्रीन कोरिएंडर लिया है। और चॉइसेस आपकी हैं, जितने भी वेजिटेबल्स आप लेना चाहें आप इसके अंदर ले सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई दी है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाल दिया और इसके बाद मुझे इसके अंदर डालना है थोड़ा सा राई प्लस हींग। और जैसे ही तेल थोड़ा सा हीटअप होता है उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं करी लीव्स, और जैसे ही क्रैकल करने लगे उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा डाइस्ड अनियन। अनियन छोटा बड़ा जैसा भी आपको रखना आप रख सकते हैं। अनियन इसके अंदर डालने के बाद इसको एक मिनट तक हमें स्टर करना है और फिर उसके बाद अनियन के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कैप्सिकम और इस तरह से इसको एक मिनट के लिए हमें स्टर करना है ताकि ये अपना फ्लेवर रिलीज़ कर दे। उसके बाद हम इसके अंदर धीरे धीरे करके अपने सारे वेजिटेबल्स ऐड करते जाएंगे, जितने भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कॉर्न डाल दिया, कैरेट्स डाल दिया, बीन्स ऐड कर देते हैं इसके अंदर, और जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं वो सब आप इसके अंदर ऐड कीजिए इसी टाइम पे। और इन वेजिटेबल्स को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। साथ में मैं ग्रीन चिली भी ऐड कर रही हूँ, बस हल्का सा इनका कच्चापन निकल जाए। पोटैटो ऐड करती है मैंने और अब हमें इन सबको मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर हल्का सा जो है अभी सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट में अभी थोड़ा ये ऐड करूँगी और थोड़ा जो है मैं जब मैं इसके अंदर पोहा मिक्स करूँगी तब भी मुझे मिक्स करना है। तो आप अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, टर्मरिक पाउडर मैंने डाला है और ये थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अवॉइड करना आप कर सकते हैं। और इन सबको मिक्स करेंगे हम और फिर इसको हमें ढक देना है अच्छे से ताकि ये स्टीम में हल्का सा कुक हो जाए। और ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से कुक हो जाती है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है। और अब मैं इसके अंदर पोहा ऐड कर रही हूँ। पोहा आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर पानी में भिगोना नहीं है, बस आप उसको 2-3 बार वॉश कीजिए, 2-3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट के आप इसको भिगोइए और उसके बाद आप इसको किसी छलनी में निकाल दीजिए। तकरीबन आपको कम से कम इसको 15 से 20 मिनट तक छलनी में पड़े रहने देना है ताकि जो पोहा है वो अच्छे से फूल जाए और ज़्यादा पानी भी ना हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर लिया है, वो आप टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम फाइनली इसके अंदर अपना ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर देते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। और अब इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा लेमन। लेमन जो है, लेमन ऐड जब आप करेंगे तो उसको जैसे ही ऐड कर देते हैं आपको क्या करना है, आपको गैस ऑफ कर देना है क्योंकि लेमन ऐड करने के बाद आपको फिर इसको कुक नहीं करना है, नहीं तो इसमें एक कड़वापन ऐड हो सकता है। तो बस अब लेमन ऐड कर दिया, मैंने गैस भी ऑफ कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे सर्व कर देंगे। तो ये हमारा पोहा बनकर रेडी है और हम इसे गार्निश करेंगे फ्राइड पीनट्स के साथ। आप चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हैं और चाहे तो आप इसको सिंपली ड्राई रोस्ट करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।